सपा के बबुआ द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं, चाहे वो पब्लिकली बोले चाहे वो प्रेस में बोले, तो जो भी बातें सपा के बबुआ द्वारा कही जाती हैं, तो उनकी अधिकांश बातों से बीजेपी व अन्य सांप्रदायिक ताकतों को ही ज्यादा बल मिलता है, ये सभी जानते हैं। और जिसकी वजह से ही यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी पुरानी दोस्ती होने के कारण इनके पारिवारिक शादी विवाह आदि समारोह तक में भी शामिल होते रहते हैं, ये भी आप अच्छी प्रकार से जानती हैं। और अभी चुनाव में भी श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बबुआ की अर्थात इनके अपने इस भतीजे की अंदरूनी मिलीभगत से ही श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह अपना चुनावी स्वार्थ पूरा करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो मुझे उत्तर प्रदेश की आम जनता पर ये पूरा भरोसा है कि वे सपा के विशेषकर जंगल राज के कुशासन के साथ साथ बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खासकर लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी के व इनके नोटबंदी के अत्यंत ही इस अति जन पीड़ादायी फैसले की सजा इन्हें जरूर देगी ये चुनाव में प्रदेश की जनता, ताकि आने वाले समय में ये लोग ऐसा कोई भी अपरिपक्व फैसला लेने के पहले 10 बार जरूर सोचें।